Hi friends, assalamu alaikum everyone. This is Amir and you are watching PC Tech Gyan. Okay friends, आज हम जानेंगे MS Word में page layout के बारे में. Okay, page layout का use क्या है, कैसे इस्तेमाल करना, वो सब हम जानेंगे. पहले तो मैं screen share कर रहा हूँ. Just net. Okay. First of all, click on start button. Next to go to all programs. Next, click on MS Office, Microsoft Office. Next, click on MS Word. MS Word open होगी मेरी file. आज हम जानेंगे page load के बारे में कि page load के अंदर इस्तेमाल क्या करने का, कैसे करने का देखेंगे. पहले तो मैं just एक थोड़ा मैटर लिख ले रहा हूँ. मैं इसी कॉल्ड RAND RAND में लिख लिया. डिफॉल्ट टेक्स्ट रहता है ये. कितने पैराग्राफ होना उतने नंबर्स लिख लिया मैं. कर एंटर बटन प्रेस करा, टेक्स्ट आ गया. अब इसको एडिट कैसे करना देखेंगे. अब सपोज मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करे तो मेरे पेज साइज क्या होना, नहीं तो कैसे मार्जिन होना, बॉर्डर होना, पेज को वाटर मार्क कैसे होना, वो सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे. पहले क्या करा मैं पेज लोड में जाके पेज साइज है ना, पेज साइज करना आगे मैं प्रिंट करे तो मैं कौन साइज करना, मैं A3 पेपर में प्रिंट करने का है या A4 पेपर में करने का है, तो मैं लेटर में करने का, जो भी होना है इसके हिसाब से सिलेक्शन कर लेंगे. नॉर्मल में तो A4 में हम प्रिंट करते ना, इसलिए हम मैं क्या कर रहा हूँ, A4 पेपर सिलेक्शन कर ले रहा हूँ. ओके, पेज साइज करने गया, यहाँ पर A4 ऑप्शन सिलेक्शन कर लिया. नेक्स्ट, और मैं साइड में क्या हो रहा, इतना गैप आ रहा, देखो गैप हटाना बोलते कैसा. नेक्स्ट प्रिंट करे तो मेरे को खड़े में होना या आड़े में होना, मैं जूमिंग कम करके बता रहा हूँ. मैं देखो साइज कम कर लिया इसका. अब देखो मेरे को खड़े में तो ऐसा आ रहा, देखो मेरे को आड़े में होना है, मैं आड़े जरा एक्स्ट्रा है तो मेरे आड़े में होना है, तो क्या करें, प्रिंटर में तो हम आड़े में नहीं रखते ना, तो कैसा फिर डॉक्यूमेंट सेट कर लेते इस टाइम पे, यहाँ पर ऑप्शन रख लेना. देखो क्या करा मैं, यहाँ पर ओरिएंटेशन है ना, वो सेम पेज लोड ऑप्शन में जो ओरिएंटेशन में गया मैं, पोर्ट्रेट यानी खड़े में आ रहा, लैंडस्केप यानी क्या आ रहा, देखो आड़े में आ रहा. देखो दिखा फ्रेंड्स, आपको जैसा होना उसके हिसाब से ले लो, आपका प्रोजेक्ट जैसा रहता उसके हिसाब से हम सेट कर लेना यहाँ पर. अब मैं क्या होना, लैंडस्केप में होना तो मैं लैंडस्केप में ले लेता हूँ, मैं पोर्ट्रेट में होना तो मैं पोर्ट्रेट में ले लिया. मैं फर्स्ट पेज साइज ले लिया मैं यहाँ से जाके. उसके बाद में क्या करा, ओरिएंटेशन प्रिंट करे तो मैं खड़े में होना या आड़े में होना. नेक्स्ट मैं साइड में देखो मैं क्या हो रहा, इतना गैप आ रहा ना मेरे को. जस्ट मैं देखो साइड में तो गैप आ रहा मेरे को, मैं कितना गैप ना को बोलते क्या करूँ, मैं मार्जिन में जाके जितना होना उसके हिसाब से सेट कर लो. ओके, नॉर्मल है देखो ये सब, ये डिफॉल्ट जैसे जिसके जैसा होना है आप उसके हिसाब से ले लो. देखो यहाँ क्या करा, नारो में ले तो क्या करा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम साइड किसो ऑल साइड क्या दिया, 0.5 इंचेस दिया. अगर नॉर्मल में ले तो क्या करा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब क्या करा, 1 इंच दिया. आपको जैसा होना उसके हिसाब से ले लो, नहीं मैं वैसा ना को मैं को मैनुअली रख लेते बोलते, कस्टम मार्जिन में जाओ, आपके प्रोजेक्ट में जैसा रिक्वायरमेंट दिया उसके हिसाब से रख लो. यानी कि आपको टॉप साइड में 2 इंचेस होना, नहीं तो बॉटम में मेरे को 1 इंच होना, जितना होना है इसके हिसाब से आप रख ले सकते हैं. ओके, तो मैं नॉर्मल ले ले रहा हूँ, मैं मार्जिन में जाके नॉर्मल ले लिया. पेज साइज होगा, मार्जिन होगा, ओरिएंटेशन होगा. अब मैं क्या होना, नेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट को चारों तरफ से क्या होना, बॉर्डर्स टाइप में आना है समझ लो. इसलिए अगर आप पेज बॉर्डर्स यहाँ पर है देखो. ओके, पेज बॉर्डर्स में गया मैं जाने का, देखो प्रेजेंट क्या तो दिख रहा, प्रीव्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा. अब जो भी स्टाइल का क्लिक करो उसके हिसाब से आपको स्टाइल्स आ रहे देखो. ओके, जो भी टाइप होना ले लो, ले लेके उसके बाद में कलर्स भी आना हो तो क्या करूँ मैं, कलर्स में जाके यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है उसका पर्टिकुलर कलर ले लो, और उसका वेट भी बढ़ाना कम करना है तो कम कर ले सकते हैं बॉर्डर्स का. देखो दिख रहा, एडजस्टमेंट जैसे करना चाहे आपकी मर्जी कर ले सकते हैं. उसके बाद में मैं क्या करा, ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. मैं तो क्या हुआ, देखो चारों तरफ से अपने को बॉर्डर्स आ गए. फिर पेज बॉर्डर्स में जब दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे कि अपने ग्रीटिंग्स का तो विशेष देने का, तो किस वहां पर डॉक्यूमेंट को अपना अप्लाई करना हो तो ये ऑप्शन देखो. जस्ट मैंने डॉट पे क्लिक करा, देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दे रहा, मगर ये टाइप अपने रेज्यूम को नहीं लगा ले सकते, अपने डॉक्यूमेंट्स में नोट्स को ऐसे नहीं लगा ले सकते, लगाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर देते. इसलिए कभी भी याद रख लो बॉर्डर साइज किसको देना, ग्रीटिंग यानी कि बर्थडे विशेष ये करें, तो शादी के किसी को किसो ग्रीटिंग्स ये कर रहे तो उसको चलता है विशेष देने के टाइप में. अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को किसो वहां पर नहीं करना चाहिए, रेज्यूम में अप्लाई कर रहे तो किसो डॉक्यूमेंट लिख रहे तो टाइप में नहीं चलता. नॉर्मल सिंपल में बॉर्डर ले लेना, मैं सिंपल ले लिया फिर से. मैं ये था पेज बॉर्डर के बारे में.
अब मैं एक बुक में प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें कितने पेजेस है टोटल? 11 पेजेस है देखो स्टूडेंट। तो मैं क्या होना, मेरे को हर पेज में क्या करना, मेरे को मेरे कंपनी का लोगो आना लिख के। अब जैसे कि मैं प्रिंट करा, प्रिंट करके मैं सपोज मेरे फ्रेंड्स के तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कि कॉलेज में वो रिकॉर्ड सबमिशन कर, समझो मेरा लिखे से मैं अच्छे से, तो उन्होंने क्या करते हैं एग्जैक्ट मेरा नाम में जाके वहां पर क्या दूसरा पेपर स्टिकर चिपका देके उनका नाम लिख लेते हैं। इसलिए मैं बोल सकती हूँ मेरी डॉक्यूमेंट उनके नहीं बोल सकते ना, इसलिए मेरी डॉक्यूमेंट है उनके फलाना बोल के बोलने कैसे क्या करूँ मैं, बैकग्राउंड में एक लोगो आना है, इसलिए वाटर मार्क बोलते हैं। आप देखते शायद ऑलरेडी आपके कॉलेज के रिकॉर्ड्स होंगे, मेटेरियल्स भी होंगे, बैकग्राउंड में कंपनी का लोगो होंगे, कॉलेज का लोगो होंगे, स्कूल का लोगो होंगे, दिखता ना वैसे करना हो तो क्या कर रहा हूँ मैं, पेज लोड में जाके वाटर मार्क है ना उसको इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, डिफॉल्ट में दिख रहा है देखो ड्राफ्ट बोल के, सजेस्ट कर रख से देखो। अब मैं क्या कर रहा, वाटर मार्क में गया, यहाँ पर डिफॉल्ट में देखो अलग अलग स्टाइल्स के है, आपको जो है ना ले ले सकते हैं, मगर मैं मैनुअल रख लेते ना यहाँ पर से, नको मैं डोंट कॉपी राइट है ना, डू नॉट कॉपी बोल के है ना, वो सब नको मैं मैनुअल रखते पर, इसलिए कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन है ना, उसमें तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं जिसमें कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर सकते, देखो अपने को क्या आया वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स आ गया। ओके इसमें देखो ऑप्शन पूछा देखो अपने को, अब मैं एक लोगो टाइप में लगाने का, तो क्या कर रहा मैं पिक्चर वाटरमार्क है ना उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर लेता, अगर मैं कहें लोगो नहीं है, मैं कहें इमेज नहीं है तो क्या करूँ, टेक्स्ट वाटर मार्क में जाके करना। अब तो मैं फिलहाल पहले पिक्चर टाइप में ले रहा हूँ, मैं ले लेके सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करा मैं, आपको जो भी लोगो लगाने का है वो लोगो ओपन कर लो। इंसर्ट कर लिया, अब देखो साइज अभी पहले तो अप्लाई करके बताता हूँ, क्लोज कर रहे हो, अब कितना दिख रहा है देखो, फुल स्क्रीन में देख रहा, बड़ा सा दिख रहा देखो, प्रिंट प्रीव्यू में जा रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस F2 है शॉर्टकट की, देखो कितना दिख रहा है देखो स्क्रीन, लोगो इतना बड़ा दिख रहा है मेरे को, इतना बड़ा ना को तो क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से वाटर मार्क में जा रहा हूँ, कस्टम वाटर मार्क, यहाँ पर साइज है ना स्केल, वहां पर जाके क्या करो एडजस्टमेंट कर लो, जैसा होना इसके हिसाब से कर लो, आपको क्लोज कर देखो, अब छोटे साइज का दिख रहा, प्रिंट प्रीव्यू में जा रहा हूँ फिर से कंट्रोल प्लस F2, देखो हर पेज को मैं क्या हो रहा, वाटर मार्क आ रहा, साइज भी छोटा है ये था। अगर मैं वाटर मार्क ना को बोलते क्या करूँ, सेम फिर वाटर मार्क में जाके रिमूव वाटर मार्क बोल तो चल जाता, देखो वाटर मार्क रिमूव होगा अपना। अब नहीं मेरे पास लोगो नहीं है मेरी कंपनी का, मेरे मेरा पर्सनल लोगो नहीं है, बोलते क्या करो कस्टम वाटर मार्क में जाओ, जाने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लो, टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके अब जो भी नाम लिखना चाह रहे हैं आपके हर पेज में डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं उसका कैसे नाम यहाँ पर रख लो, टेक्स्ट पे यहाँ पर निकाल दे सिलेक्शन करके यहाँ पर रख ले रहा हूँ, देखो सपोज PC टेक GYAN, PC टेक ज्ञान बोल देर में अपना चैनल का नाम, फॉन्ट स्टाइल भी आप बदलना चाहे तो बदल ले सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल होना है यहाँ से रख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट स्केल साइज कितना होना आपका, कलरिंग कौन से कलर में आना आपका वाटर मार्क, अब डायगोनल बोलते क्या आता देखो, डायगोनल यानी कि क्रॉस में आता देखो, दिख रहा क्रॉस में आ रहा देखो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है आड़े में आता, जस्ट मिनट क्लोज करके बता रहे हो, दिख रहा फ्रेंड्स ये हॉरिजॉन्टल में रखा मैंने, नहीं मैं हॉरिजॉन्टल में नको मेरे को डायगोनल में होना, फिर से उसको ऑप्शन कर ले सकते देखो, कन्वर्ट देखो दिख रहा, फिर से अगर स्केलिंग भी करना चाहे तो स्केल भी कर ले सकते, अब जितना चाहे उसके हिसाब से कर ले सकते देखो, आपको हॉरिजॉन्टल में होना डायगोनल में होना जो भी हिसाब से होना है रख ले सकते आप, अप्लाई करके क्लोज पे ऑप्शन पे क्लिक करा, प्रिंट प्रीमियर में से कंट्रोल प्लस F2 करा देखो, अब देखो क्या आ रहा है मैं हर पेज में आ रहा वाटर मार्क, याद रख लो हर पेज को आता, फर्स्ट पेज को नहीं आता बुक के, क्योंकि सपोज मैं फर्स्ट पेज के एक वाटर मार्क आता क्या करता, कोई तो भी मेरी कॉपी को मेरे नोट्स को कैसे हो कॉपी करने वाला क्या करता, फर्स्ट पेज फाड़ लेके बस पूरा प्रिंट निकाल लेते, इसलिए क्या करते फ्रेंड्स वाटर मार्क टोटल आता, जैसा कि सिंपल एग्जाम्पल बोल रहा था वो अपना करेंसी रहते ना नोट्स, उसके बंडल पे कैसे सपोज 500 के बंडल है उसमें फर्स्ट पेज कुछ अपने गांधी जी का फिगर आए समझो इमेज आए तो क्या करते फर्स्ट पेज फाड़ लेके बाकी पूरा प्रिंट निकाल लेते ना, इसलिए याद रख लो हर किसी नोट पे गांधी जी का इमेज आता है ना बैकग्राउंड में वाटर मार्क, वो भी एक वाटर मार्क ही है एग्जाम्पल, इसलिए हर पेज को आता वाटर मार्क ही है। ये था पेज साइज मार्जिन ओरिएंटेशन देखे, पेज बॉर्डर देखे, फिर वाटर मार्क देखे ना, अब एक न्यूज पेपर में रहते ना कॉलम्स टाइप में, ओके मेरे को कॉलम्स टाइप में होना बोलते क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज पेज लेआउट में जा रहा हूँ मैं कॉलम्स है ना, कॉलम्स में आके सपोज टू ऑप्शन है ना टू पे क्लिक कर रहा, तो क्या हो रहा मेरी डॉक्यूमेंट पूरे क्या हो रहा वो कॉलम्स टू कॉलम्स में कन्वर्ट कर ले रहा, मैं ना को तो फिर से वन कॉलम में करा,
जैसे कि अपने न्यूज़पेपर में रहते ना कॉलम्स, कैसा इधर एक स्टैंड जाए इधर एक स्टैंड, जैसे होना बोलते क्या करूँ मैं, पार्टिकुलर होना बोलते क्या करा, जो भी होना ऑप्शन उसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन कर लेके पेज लोड में जाके कॉलम्स है ना, कॉलम्स में आ गया मैं, आने का टू कॉलम्स होना थ्री कॉलम्स होना जैसे होना इसके हिसाब से रख लो। मैं यहाँ पर थ्री कॉलम्स का हो तो थ्री कॉलम्स पे क्लिक कर लिया। देखो दिखा फ्रेंड्स, पहले ये लाइन होने का ये लाइन आया पूरा, ये नीचे पूरा कन्वर्ट यहाँ तक होने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है, फिर ये होने के बाद इधर आया नहीं। फिर मैं यहाँ से कैसे सपोज यहाँ से कैसे फाइव कॉलम्स होना है, सिलेक्शन कर लिया कॉलम्स में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो दिख रहा फाइव कॉलम्स नहीं दिख रहे ना, तो मोर कॉलम्स है ना इस पे क्लिक करो। अब क्लिक करने का नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स होना आपको, दो होना तीन होना, जिस जैसे होना आपको, ऑप्शन सिलेक्शन कर लो, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लो। ये पूरे सेटिंग्स है, स्पेस कितना देना, विड्थ कैसे रहना, वो पूरा आपको अब तो जरूरत नहीं है, जस्ट ओके पे क्लिक कर देगा ऑटोमेटिक होगा। देखो नहीं आप वो भी कैसे आप एडजस्टमेंट करना चाहे तो कर ले सकते। कॉलम्स में जा रहा हूँ, मोर कॉलम्स में जा रहा हूँ, अभी मेरा बीच में इतने तक गैप आ रहा ना, उतना नक को बोल तो भी आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले सकते। देखो कम करना मतलब कम कर ले सकते हैं स्पेसिंग बीच का। देखो फ्रेंड्स ओके ये था कॉलम्स। नहीं फिर से मेरे को नॉर्मल में कन्वर्ट करना, तो क्या करा सिलेक्शन कर लेके यहाँ से वन कॉलम पे कर रहे तो फिर से वन कॉलम में बदल जाता हो, आपको जैसा होना है उसके हिसाब से कर ले सकते हैं आप। अभी फिर प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा नहीं दिख रहा, चेक करेंगे एक बार, जस्ट शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस या F2 है प्रिंट प्रीव्यू को। देखो मेरे पेज बॉर्डर भी दिख रहे हैं, मार्जिन भी है, कॉलम्स भी दिख रहे हैं मेरे को, वाटर मार्क भी दिख रहा ना ओके। अब नेक्स्ट क्या करूं मैं, पेज कलर्स के देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा पेज कलर में जाके क्या करूं, जो भी टाइप का होना कलर ले लो ओके। यहाँ पर तो कलर दिख रहे ना, मगर प्रिंट प्रीव्यू में जाओ दिखता क्या देखेंगे, दिख रहा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर क्यों रीजन का एक नहीं दिख रहा, तो प्रिंट प्रीव्यू में जो भी दिखता आपको वही प्रिंट में आता। फिर यहाँ पर तो अब नॉर्मल में दिख रहा, मगर प्रिंट प्रीव्यू में कलर दिख रहा पेज का नहीं दिख रहा, यानी कि पेज कलर आता प्रिंट में नहीं आता बोल सकता। जस्ट इमेजिन बोल सकता, डेली मैं व्हाइट स्क्रीन पे मैं क्लासेस बोल तो बोर लग रहा है, तो क्या करूं मैं चेंज करूं आज ये कलर, नेक्स्ट क्या कर मैं दूसरा कलर में ले लेके बता दे रहे, उससे क्या होता तो इंटरेस्टिंग रहता पूरा। ऐसे जो भी कलर होना चाहिए आपको कन्वर्ट कर लेके देख ले अप्लाई कर ले सकते, मगर प्रिंट में आता क्या नहीं आता। देखो पेज कलर नहीं आ रहा, मगर पेज बॉर्डर आ रहे, वाटर मार्क आ रहे, कॉलम्स आ रहे मेरे को ओके, मार्जिन सब आ रहे, मगर पेज कलर नहीं आ रहा। फिर नक्को बोलते हो यहां से जाके नो कलर पे कर लिया, नॉर्मल होगा। देखो अब नेक्स्ट मेन टॉपिक देखेंगे पैराग्राफ के स्पेसिंग के बारे में। लाइना के बीच में तो हम लोग देखे थे ना, एक पैराग्राफ में एक लाइना के बीच में गैप का प्रॉब्लम आ रहा, तो क्या करें लाइन स्पेसिंग में जाके यहाँ पर होम में लाइना के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना बोलते बढ़ा लिए, कम करना बोलते कम कर लेते ना एडजस्टमेंट। अब इसके बीच में लिखना बोलते नहीं आता, कहीं बोलते सेटिंग्स वैसा है, लाइन स्पेसिंग में जाके जैसा चाहे वैसा हम एडजस्टमेंट कर लेते ना, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को दो पैराग्राफ के बीच में भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को ओके, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग प्रॉब्लम आ रहा, तो क्या कर रहा हूँ मैं पेज लोड में जा रहा हूँ मैं, स्पेसिंग है ना यहाँ पर देखो, कर्ज बिफोर का मतलब क्या है हमारा कर्ज जिसमें है उससे पहले हो सकता, आफ्टर का मतलब हमारा कर्ज जिसमें है उससे के बाद में, तो इसमें रख लिया मैं बिफोर में देख रहा हूँ मैं। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर आराम से एक पैराग्राफ लिख सकते, मगर एक छोटा हुक भी लिखना आ रहा नहीं आ रहा। रीजन क्या है, स्पेसिंग का प्रॉब्लम आया, यानी कि सपोज आप वर्क करते किधर तो भी ऐसे दो पैराग्राफ के बीच में मेरे को स्पेसिंग का आ रहा समझो। अभी आराम से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, मगर एक छोटी लाइन भी लिखना नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है, पेज लोड में जाके देखो यहाँ पर स्पेसिंग आ रहा। सपोज इसमें कर्जर रखने से दिख रहा आपने को नहीं दिख रहा, तो जब क्या करो नीचे के पैराग्राफ में कर्जर रख लो। अब देखो किधर बता रहा 102 के सो पॉइंट्स के सो एक्स्ट्रा है, देखो किस क्या करो निकाल दिया मैं, सपोज कम कर लिया चलता है, डायरेक्ट मैं जीरो लिखा। आफ्टर का मतलब क्या है, हमारा कर्जर जिसमें है उसके बाद में बोल सर। सपोज अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, आफ्टर के बाद में सपोज स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ, अब इधर भी लिखे तो नहीं आ रहा। देखो फिर इसमें भी जा क्या करा मैं, अब इसको भी जीरो कर लिया, अब दो भी जीरो करने से क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो दो भी मेरे को इक्वल, दो भी एक एक को चिपक के आ गए। इसका मतलब क्या है, दो भी नॉर्मल सपोज अब यहाँ पर टेक्स्ट क्या तो लिख लिया समझ लो, ये दो अलग अलग पैराग्राफ समझते हम लोग नहीं समझते मैक्सिमम, क्योंकि दो भी कंटिन्यूसली लेना, दो के बीच में स्पेसिंग नहीं रहने से हम ये पूरा एक ही पैराग्राफ समझते, मगर दो भी एक ही पैराग्राफ से हो नहीं ओके। ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करना, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग बढ़ के रहने दे या कम रहने दे, उसका एडजस्टमेंट करना हो तो क्या करना, सिंपल पेज लोड में जाके स्पेसिंग से ना उसमें हम एडजस्टमेंट कर ले सकते। अब अगर मेरा कर्जा जिधर भी उससे पहले आ रहा तो बिफोर में करना, अगर कर्जा जिसमें उसके बाद में प्रॉब्लम आ रही तो क्या करना, आफ्टर में करना। मेरा कर्जा इसमें है ना इसलिए क्या करूँ मैं, आफ्टर पे ये करूँ। देखो समझ में आया, ऐसा स्पेसिंग्स बढ़ाना बोल तो भी कम करना बोल तो भी एडजस्टमेंट करना बोल तो क्या करना, सिंपल पेज लोड में जाके स्पेसिंग्स कर लेना ओके। हाँ।
नेक्स्ट पेज साइज देख लिए हम, मार्जिन देख लिए, ओरिएंटेशन देख लिए, कॉलम्स देख लिए, पेज बॉर्डर कैसे रखना देख लिए हम, वाटरमार्क कैसे रखना देख लिए, दो पैराग्राफ के बीच में मेक कैसे हो, स्पेसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसा एडजस्टमेंट करना देखे देना हम। ओके फ्रेंड्स, ऐसा इस्तेमाल करके हम एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर ले सकते। पेज लेआउट पर्पज कैसे कंपल्सरी प्रिंटिंग पर्पज में यूज होता है पेज लेआउट। अच्छा देखो ये वीडियो को, मेन क्या था हम पेज साइज कैसा ये करना देखे हम आज के टॉपिक में, ओरिएंटेशन प्रिंट करे तो खड़े में होना या आड़े में होना सेट कर लेते हम, मार्जिन साइड में गैप कितना होना उसके हिसाब सेट कर लेते हम, पेज बॉर्डर यानी कि मैं प्रिंट करे तो मेरे को पेज कुछ चारों तरफ से मेरे को बॉर्डर टाइप में आना तो कैसा देख लेते हम, वाटरमार्क अब मैं कैसे कंपनी का नाम, मेरे स्कूल का नाम, मेरे कॉलेज का नाम, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम हर पेज में मेरे डॉक्यूमेंट में आना बोल तो वाटरमार्क कैसे रखना देखे हम, टेक्स्ट में देखे हम और क्या करें इमेज में भी देखे। ओके नेक्स्ट, दो पैराग्राफ के बीच में एक स्पेसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो स्पेसिंग एडजस्टमेंट कैसे करना देखे थे हम। ओके ये था मेन टॉपिक आज के टॉपिक में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।